गुड मॉर्निंग विद लेक्चर नेक्स्ट इज हमारे लोकल पब्लिक में कौन कौन इंक्लूड होते हैं लोकल पब्लिक का मतलब है वो लोग जो उस एरिया में रह रहे हैं जहा पे आपने बिजनेस यूनिट सेटअप की है जब आप बिजनेस यूनिट सेटअप आपने की है और वो वहां पर वो फंक्शनिंग कर रही है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है लोकल पब्लिक को किस तरीके से एनवाइ पॉल्यूशन एक इशू हो सकता है लोकल पब्लिक के लिए जो एक्शंस लोकल पब्लिक है वो इस रिगार्डिंग ले सकती है कि फोर्स कर सकती है बिजनेस यूनिट्स को कि वो अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड करें इंस्टॉल करे जो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स है उनको और लोकल पब्लिक अगेंस्ट भी हो सकती है बिजनेस यूनिट को अगर उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है और जिसकी वजह से बिजनेस यूनिट को क्लोज भी करना पड़ सकता है तो लोकल पब्लिक भी जो है वो बिजनेस को इफेक्ट करती है नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मैक्रो मैक्रो एनवायरमेंट 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 और जर्नल का मतलब है जर्नल एनवायरमेंट बिजनेस का मैक्रो फोर्सेस जो होती हैं वो अनकंट्रोलेबल है इन कंपैरिजन टू माइक्रो फोर्सेस ऑफ एनवायरमेंट जो ग्रोथ है सर्वाइवल है बिजनेस का वो डिपेंड करता है उसकी अडेप्टेबिलिटी पर जो वो करती है मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इंक्लूड होता है आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट पॉलिटिकल एनवायरमेंट सोशो कल्चरल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट नेचुरल एनवायरमेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंट डेमोग्राफिक एनवायरमेंट और ये फैक्टर्स क्रिएट करते हैं बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज और उसके लिए थ्रेट्स भी पोज करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर मैक्रो एनवायरमेंट इंक्लूड फोर्सेज दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड पोज थ्रेट टू दिस बिजनेस यूनिट्स इट इंक्लूड इकोनॉमिक डेमोग्राफिक नेचुरल टेक्नोलॉजिकल पोलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट से डील करने के लिए ही जो कंपनी है वो स्वर्ट एनालिसिस करती है स्वर्ट एनालिसिस का मतलब है एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस ओ फॉर योर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर योर थ्रेट्स जब हम नॉर्मल इन जर्नल हम बिजनेस एनवायरमेंट अगर बोल रहे हैं तो मोस्टली जो पर्सन फोकस करता है दैट इज ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में मैक्रो एनवायरमेंट और जर्नल एनवायरमेंट के ऊपर Then next हमारा आता है कि मैक्रो बिजनेस एनवायरमेंट में हम इंक्लूड जिस जिसको कर रहे हैं हम उन्हें डिटेल में कर रहे हैं फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट इकोनॉमिक एनवायरमेंट का मतलब है वो सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसका इंपैक्ट होता है ऑन वर्किंग ऑफ बिजनेस इसमें आपका इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक पॉलिसीज नेचर ऑफ इकोनॉमिक

आपके जो इकोनॉमिक चीजें हैं इकोनॉमिक इन द सेंस की आपके मनी से रिलेटेड चीजें हैं तो उस उन चीजों से जो चीजें रिलेट करती हैं उन सबको हम आपके इकोनॉमिक uh, एनवायरमेंट में इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट बिजनेस का इन नेचर है डायनामिक है चेंज होता रहता है गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज चेंज की पॉलिटिकल सिचुएशंस में कोई चेंज हुआ उन सबका इफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरमेंट पे होता है इसके बेसिकली तीन एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिक 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 कंडीशंस कंडीशंस पॉलिसीज एंड सिस्टम में आ जाता है जो आपका स्टाइल है क्वालिटी है लाइफ की कंजम्पशन लेवल परचेजिंग पावर पब्लिक की इकोनॉमी जो है आपकी उसमें जो भी आपके डिसीजन लिए जा रहे हैं जिसमें इनकम लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं फेसिस क्या चल रहे हैं ट्रेड साइकिल्स की बूम पीरियड है या फिर रिसेशन पीरियड है उन सब सिचुएशंस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस में आपका साइज क्या है मार्केट का प्राइस लेवल क्या है इकोनॉमी में रेट क्या है कैपिटल फॉर्मेशन का इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर का वो सब चीजें इंक्लूड होती हैं देन आता है आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज में इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम कर रही है इकोनॉमिक कंडीशन को टैकल करने के लिए वो यहाँ पे इंक्लूड होती है ये पॉलिसीज एस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट इसमें एक चीज और जो हमने ये चीज की कि इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम्स ये तीनों भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाकर ही आप इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज करते हो और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस है वो एग्जिस्ट करती है इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसके जो फीचर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी और इकोनॉमिक कंडीशंस को इफेक्ट करेंगी तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो फ्रेम करती है गवर्नमेंट और ये पॉलिसीज इस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट जो इफेक्ट है इन पॉलिसीज का वो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है वो डिफरेंट बिजनेसिस को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट कर सकती है जैसे पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अगर बनाई है कि किसे सब्सिडी देनी है किसे टैक्स हॉलीडे देना है कंसेशन कितना करना है एक्साइज ड्यूटी में कस्टम ड्यूटी कितनी देनी है एक बिजनेस को इन uh, ड्यूटीज अगर वो इंक्रीज करती है टैक्स रेट इंक्रीज करती है बिजनेसिस के लिए तो सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसिस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज और इन पॉलिसीज के अलावा भी जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेजिसलेशन फ्रेम करती है जो रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं बिजनेस को Jesse Industrial Disputes Act 1947, Factories Act 1948, Industries Development and Regulation Act 1951, Companies Act 2013, Consumer Protection Act 1986, Depositories Act 1996, Foreign Exchange Management Act 1999, Securities and Exchange Board of India Guidelines 2000, SEBI Guidelines, Competition Act 2002, Limited Liability Partnership Act 2008, Banking Regulation Act 1949 and Banking Law Amendment Act 200 2012

ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं और ये इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है यूएसए यूके में देन आता है सोशलिज्म ये जो टाइप की इकोनॉमीज होती है ये स्टेट ओन्ड इकोनॉमीज होती है मतलब जो गवर्नमेंट है वो मेजर रोल प्ले करती है देन है मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं और दोनों का ही इम्पोर्टेंस होता है देन है अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरमेंट में इसके अलावा जो आप इंक्लूड करते हो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जिसमें रोड्स रेलवे अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पावर कम्युनिकेशन एसेक्ट्रा आ जाती है इसी में बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज मनी मार्केट्स कैपिटल मार्केट एसेक्ट्रा भी इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज पोलिटिकल एनवायरमेंट पोलिटिकल एनवायरमेंट एक कंट्री का कैसा है वो भी इफेक्ट करेगा डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को एक स्टेबल और डायनेमिक पोलिटिकल एनवायरमेंट जो है वो बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये डिसाइड करता है कि किस एरिया को किस बिजनेस को जो गवर्नमेंट है वो आगे एक्सटेंड करेगी और किसको वो रेस्ट्रिक्ट करेगी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आप किन किन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है कंट्री में रिलेशन कैसे है हमारे नेशन के अदर कंट्रीज के साथ डिफेंस और मिलिट्री पॉलिसी क्या है वेलफेयर एक्टिविटीज कैसी है गवर्नमेंट की सेंटर स्टेट का क्या रिलेशनशिप है अपोजिट पार्टीज का क्या अप्रोच है टूवर्ड्स बिजनेस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये डिसाइड करेगी कि पॉलिटिकल थिंकिंग जो गवर्नमेंट की है उसका अप्रोच और विजन क्या है गवर्नमेंट का टूवर्ड्स द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री पॉलिटिकली जो आइडियोलॉजी है वो डिसाइड करती है कि, कि किस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को जो है ओपन किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के लिए किसे रिजर्व किया जाएगा पब्लिक सेक्टर के लिए एंट्री फॉरेन कंपनीज को अलाउ की जाएगी या नहीं की जाएगी सेम तरीके से अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है ऑनेस्ट है एफिशिएंट है डायनामिक है तो वो ये इंश्योर करेगा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो लोगों का और पर्सनल सिक्योरिटी सिटीजन को मिले जो प्राइमरी फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देन रिलेशनशिप कैसा है गवर्नमेंट का अदर कंट्रीज के साथ वो भी इफेक्ट करेगा बिजनेस को क्योंकि जब आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करोगे प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल्स को तो ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़े करेंगी क्योंकि दूसरी जो कंट्री है वो आपकी कंट्री से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ कर रही है नहीं कर रही है ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसके रिलेशन कैसे है उस कंट्री के साथ देन आता है सोशो कल्चरल एनवायरमेंट बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी और दोनों एक दूसरे को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन इकोनॉमिक एक्सटर्नल कॉम्पोनेट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट का मतलब है जो भी आपकी सोसाइटी में फैक्टर्स हैं, जो कल्चर है उसमें जो फैक्टर्स है जो बिजनेस यूनिट डिसाइड नहीं करती लेकिन किसी न किसी तरीके से वो फैक्टर्स बिजनेस यूनिट को इफेक्ट करते हैं कि जो बिजनेस यूनिट है वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाएगी किस तरीके से अपनी पॉलिसीज को बनाएगी इनमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है इन फैक्टर्स में आता है लोगों का एटीट्यूड क्या है वर्क के लिए फैमिली सिस्टम क्या है कास्ट सिस्टम क्या है रिलीजन एजुकेशन मैरिज हैबिट्स एंड प्रेफरेंस लैंग्वेज अर्बेनाइजेशन कस्टम्स ट्रडिशन क्या है वैल्यू सिस्टम क्या है बिजनेस एथिक्स क्या है सोशल ट्रेंड्स क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस सेक्टर जैसी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में थैंक यू सो मच